अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दोस्त हकीम फरहान खान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आयुर्वेदिक फिटनेस सेंटर में। आज आपको मैं बताने के लिए आया हूं कि जो मामला आपके साथ चल रहा है कि अगर आपको उठने पे कतरे आते हैं, सुबह आपको लगता है कि आपके नेकर पे या पजामे पे आपको चिपचिपे पानी के कतरे लगे हुए मिल रहे हैं और आपको पेशाब में धात जाती है, आपके कमर में दर्द है या पेशाब में जलन हो रही है और आप अपने पार्टनर के साथ कुछ करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपकी धात निकल रही है या आपको चिपचिपे पानी आ रहा है या आपकी धात निकल रही है, स्वपन दोष होता है, तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ करने की ताकत आपके अंदर नहीं आ पाएगी। उस ताकत को बहाल करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले जो बीमारी है, आपको चिपचिपे पानी है, धात है या स्वपन दोष है, इस चीज़ का इलाज करें। ये चीज़ सही होगी तब जाके आपका उठान, आपका कड़कपन वापस आना शुरू होगा, यानी कि आपका स्पर्म ख़त्म होता जा रहा है इसलिए आपकी ताकत ख़त्म होती जा रही है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो आपको बना बनाया ऑनलाइन अमेज़ॉन से मिल जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे पास आने वाले बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं जो मैं आपके लिए देने वाला हूँ, और घंटी के बटन दबा के ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो आज का जो प्रोडक्ट है इसका नाम है सफूफ मुकब्बी। ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा। सफूफ मुकब्बी ये आपको तकरीबन 650 रुपये के आसपास आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा, इसका अमेज़ॉन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। 3-4 महीने आप इसको लगातार खाइए, आपके अंदर ये वो जो आपका धात जा रहा है, चिपचिपा पानी हो रहा है, नाइटफॉल होता है, सुबह उठ रहे हैं आप सो के तो चिपचिपा पानी लगा हुआ मिलता है, उन सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको इस्तेमाल करें और अपनी बीमारी से छुटकारा पाएँ। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ऑर्डर करें, दबा के खाएं। और इसकी खुराक जो है सिर्फ आधा आधा चम्मच सुबह शाम लेनी है, ताज़े पानी से या गुनगुने पानी से आप इसको ले सकते हैं। दूध है तो दूध से ले सकते हैं, अगर किसी को दूध से पेट ख़राब नहीं होता तो दूध से ले, किसी को दूध हजम नहीं होता तो इसको पानी से ले। और इसके साथ में आपको खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये सब चीज़ों का थोड़ा परहेज़ रखना पड़ेगा ताकि आपके जो मसले हैं जल्दी सही हो जाएं, और नॉनवेज भी आपको बिल्कुल बंद करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई वीडियो आपको यूज़ेबल लगी होगी, तो आपके अगर लिए अगर ये यूज़फुल है तो आप इसके बारे में इस वीडियो को ध्यान से पूरा समझें और इस प्रोडक्ट को यूज़ करके अपनी बीमारी से छुटकारा पाएँ, और अपने भाई को भी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।